इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को अंकुरित चने नहीं खाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे चने के बारे में। चने को कैसे खाना चाहिए, कच्चा खाएं या अंकुरित खाएं या उबला खाएं या भुना हुआ खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कब नहीं खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, खाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, ये सब जानेंगे। क्योंकि अगर इसे सही ढंग से, सही मात्रा में और सही समय पर यदि खाया जाए तो ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कि हम सभी को जानना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि चने के सेवन से क्या क्या फायदा होता है। चने का जो फाइबर होता है वो वजन कम करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, डाइजेशन को अच्छा करता है और कैंसर की रोकथाम में भी ये मदद करता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स होते हैं। चने को किसी भी रूप में खाया जाए वो फायदा ही करता है, बस जिस तरीके से, जिस ढंग से हम उसको लेंगे उसी हिसाब से ये फायदा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो इसे रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाना चालू कर दीजिए। इन्हें खूब चबाकर खाना चाहिए। इसका फाइबर पचने में भारी होता है, इसलिए थोड़ा ही इसको खाना चाहिए, ज्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। पेट की समस्याओं से आराम मिलता है और तुरंत एनर्जी भी मिलती है, सुंदरता बढ़ती है, दिमाग भी तेज होता है। डायबिटीज जिनको है उनको भी चने का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इनको आटे के साथ चने को मिलाकर भी लेना चाहिए, ये और भी इससे अच्छा लाभ मिलता है। भीगे चने को, अंकुरित चने को, भुने हुए चने को, उबले चने को प्याज, अदरक, नींबू, हरी मिर्च और खीरे के साथ यदि लेते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चने को प्रयास करिए कि हमेशा छिलके के साथ ही सेवन करिए, ये ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा खाने से गैस की समस्या और अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ी ही मात्रा में खाना चाहिए। दुबले पतले लोगों को चने का सेवन जरूर करना चाहिए, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जिनका वजन ज्यादा हो उन्हें चने का सेवन छिलके के साथ ही करना चाहिए। बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है ये, इसलिए अंत तक इसको जरूर देखिएगा। वेट लॉस के लिए आपको फूड आइटम्स में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, फाइबर उस आइटम में ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है क्या है, वो उस फूड आइटम में कैलोरी बहुत ही कम होनी चाहिए। जब तक ये तीनों चीजें पूरी नहीं होगी तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो चेक करिए अपने खाने में ये क्या ये तीनों चीजें आपके खाने में है। चने में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इससे वजन भी काफी कंट्रोल में रहता है, ये फैट को भी सोख लेता है। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा है आपका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ये सबसे ज्यादा लाभ आपको ये चना आपको देने वाला है। अपनी डाइट में इसको जरूर शामिल करिए। चने को उबालने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर कुछ कम हो जाती है, वैसे भुना हुआ चना ज्यादा फायदेमंद होता है, फिर भी आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं। कितना खाना है, एक व्यक्ति के लिए डेली 100 ग्राम चना पर्याप्त होता है। अगर आप कब्ज और दर्द से परेशान हैं, तो आप सुबह भीगे चने को उबालकर उसमें जीरा, नमक, अदरक मिलाकर खाइए, आपको इसमें काफी आराम मिलेगा। भीगे चने खाने से कमजोरी दूर होती है। भीगे चने थोड़ा शहद मिलाकर अगर हम रोज खाएं तो पथरी भी आसानी से निकल जाती है, इससे खून की कमी भी पूरी हो जाती है, इससे दांतों के साथ हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, स्टेमिना भी बहुत बढ़ता है। वजन बढ़ाना हो तो चने को बिना छिलके के खाइए। अंकुरित होने में चने को कुछ अधिक समय लगता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया होने की संभावना भी कुछ
बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को अंकुरित चने नहीं खाना चाहिए, इन्हें उबाल कर खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? पका हुआ चना दिन में हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते में ये ज्यादा अच्छा रहेगा। भीगे चने को सुबह खाली पेट लेना और इसके बाद एक घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए ये हर व्यक्ति की कार्यशैली पर निर्भर करता है। भीगे चने 1 से 2 मुट्ठी तक आप ले सकते हैं, उबले चने 50 से 75 ग्राम तक ले सकते हैं, भुने हुए चने को आप 100 ग्राम तक ले सकते हैं। एक साथ ज्यादा खाने से आपको अपच की समस्या और गैस की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में खाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी चने के बारे में। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ न कुछ जरूर जाना होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल में नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आज आपसे इस वादे के साथ विदा लेता हूँ कि किसी नई जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।